वेलकम पीके टेक्सटाइल आर्टवर्क। हमारे आज की क्या है भैया, एक नया इंटीरियर डिजाइन है। इंटीरियर के लिए जो पुट्टी फिनिशिंग किया हुआ दीवार पर, ऐसा स्मूथ दीवार पर अच्छा है, लेकिन ऐसे दीवार पर जब पुट्टी फिनिशिंग किए हो उसके ऊपर आप कुछ एपेक्स नहीं तो जैसे प्राइमर में इसे मिला के मार लो, थोड़ा 1 लीटर प्राइमर में पानी मत डालो, इसे ही डालो, ऐसा मार के छोड़ दो। एक दिन के बाद आप ऐसा कीजिए, दूसरा दिन टेक्सचर चालू कीजिए। आज एक सिंपल सा आराम से करेंगे एक नया डिज़ाइन। अभी तो हम जो बेस कोट पुट्टी डाल रहे हैं उसे कुछ ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, थोड़ा पतला डालिए और ऐसा लेवल करके छोड़िए। अभी आपको चाहिए तो इसको थोड़ा अच्छा सा ऐसा लेवल करिए। इसकी मैं बोलता हूँ, अभी आप कुछ डिज़ाइन के ऊपर आप कुछ लाइनिंग देना चाहते हैं तो आपको मुश्किल होता है। जो पानी है, जो इसमें जो पानी है वो दीवार जल्दी से खींच लेता है, तो आपको क्या होता है इसमें कुछ ड्राई जल्दी होना हो जाता है, इसी से आपको समस्या बढ़ता है। अभी इसको हम ऐसा करेंगे, ऐसा थोड़ा मटेरियल लेके ऐसा रखेंगे, थोड़ा ऐसा पतला कर लेंगे, ऐसा ऊपर की तरफ खींच लो और देखो ऐसा नीचे की तरफ आ जाओ। ऐसा आने से आपको एक अच्छा डिजाइन मिलता है। एक बड़े दीवार पर एक आदमी ऐसे ही पट्टी डालते जाओ, दूसरा आदमी ऐसा सीधा सीधा खींच लो जल्दी जल्दी, तो आपको ऐसा रखने का नहीं, ऐसे सीधा नीचे आने का एक ही लाइन पर। देखो ऐसा लेते हुए हम मटेरियल को ऐसा लिया, ऐसा रख के ऐसा सीधा नीचे आ जाओ, फिर थोड़ा खत्म हुआ तो फिर थोड़ा ऐसा ले लो, ऐसा ले लो और सीधा ऐसा नीचे आ जाओ। आपको ऐसा नीचे 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 आने का, दीवार पर नीचे 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 आने का मतलब होता है, आप समझ रहे हो बड़े दीवार है तो ऊपर से नीचे तक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा रख लो, थोड़ा छोड़ के थोड़ा रख लो और थोड़ा छोड़ के ऐसा रख लो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि उतना ऊपर से नीचे तक कैसे आएंगे, ये मुश्किल है, वैसा नहीं है। आप कैसे भी रख लो लेकिन एक क्रॉस पैटर्न चाहिए आपको। एक बार ऐसा परसों भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन वो बाहर एक्सटीरियर था, जो पट्टी की दीवार के ऊपर थोड़ा कम रखिए, ज़्यादा मोटा मत रखिए। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, वेरी लाइट, मतलब ज़्यादा बर्क के पट्टी ब्लेड में बर्क के नहीं रखने का, जस्ट थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी ये आपको दिखाऊंगा मैं, पहले थोड़ा ज़्यादा रखता था, इसके बारे में अभी बताऊंगा। अभी मैंने इधर ज़्यादा रखा था, इस तरफ देखो आपको दिख रहा है ना, इस तरफ मैंने ज़्यादा रखा था, इसी से ये बहुत फ्लैट हो गया।
अभी ये जल्दी नहीं, ये थोड़ा सूखने के बाद ही आपको इसको फ्लैट करने का है। मान लो ये अच्छा ही सूख गया, कम से कम मेरे हिसाब से 70% तो 50% से ऊपर सूखना चाहिए। तो आप हल्लू से ऐसा ऊपर से ही, ज़्यादा मत दबाइए, ऊपर से ही लीजिए। वो दबाने से क्या होता है, आपको दबा के खींचेंगे तो, अभी देखो इधर एक रखा हूँ मैंने, तो मैंने इसको एकदम दबा के लेता हूँ तो ऐसा बड़ा बन जाता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा अभी देखो इधर है, थोड़ा ऊपर से ऐसा ले लो, वो दिखना चाहिए गुटके, मतलब ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। ब्रॉड की मतलब होता है चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं चाहिए, एकदम पतला करके बना लो। अभी आपको इसमें कुछ लाइन देना चाहते हैं तो आपको लाइन भी दे सकते हैं। अब जैसे आपके पास स्क्रैपर है तो आपको स्क्रू ड्राइवर में भी लाइन दे सकते हो, नहीं तो ऐसे कुछ सूखने के बाद ऐसे मतलब एक्सो ब्लेड होता है, एक्सो ब्लेड में भी आपको ऐसा कुछ बारीक सा लाइन दे दो, ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ एक्सो ब्लेड में ऐसा बारीक लाइन दे दो। बड़ा लाइन चाहिए तो आपको बड़ा लाइन भी दे सकते हो, जैसे आपको यही लाइन, यही वही उसे ही बड़ा करके दिखाऊंगा। आपको चाहिए तो स्क्रू ड्राइवर में आप निकाल सकते हो ऐसा। देखो ऐसा निकालने से आपको एक बॉक्स जैसा बन जाता है। ऐसे बॉक्स बनने से आपको क्या होता है, ऐसा ग्रू देने से आपको जो पैटर्न आया है इधर जो ये कट हो जाता है, कट होने से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये डिज़ाइन इंटीरियर के लिए बहुत अच्छा है, इसकी बेस कोट भी शानदार बेस कोट आज मारा हूँ मैंने सैंपल में, जो आपको अभी इसको कलर करके दिखाएंगे कैसे होता है। और हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो भगा के मत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ये सब कीजिए, नहीं तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। कल और एक नया वीडियो हम लाएंगे वो साइट पे, एक नया करने का है, देखेंगे कैसा होगा आज की। मैंने इसमें कुछ ऐसा रंग मारा हूँ, जैसे ये ग्रे भी नहीं, ब्लैक भी नहीं, पर्पल भी नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट कलर मारा हूँ आज बेस में, तो देखेंगे इसको थोड़ा मेटालिक कलर अप्लाई करके इसको दिखाएंगे। इसको पहले हम क्या मारते हैं, वाटर बेस कॉपर है, इसे थोड़ा हल्का सा ऊपर से लगाएंगे, ऐसा जो दबा के नहीं, ऊपर से अंदर नहीं जाने का, अंदर गए तो थोड़ा डिज़ाइन खराब दिखता है, क्योंकि वो ऊपर से ही रहना चाहिए। इसके लिए मैं स्पॉन्ज यूज़ करता हूँ, तो साइड पे तो थोड़ा बड़ा बड़ा डिज़ाइन रहता है तो रोलर यूज़ करता हूँ, लेकिन वो स्पॉन्ज रोलर बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कॉपर शेडिंग देते हैं। इतना ही कॉपर शेडिंग है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी थोड़ा इसको टेक्सचर में गोल्ड कॉपर सब बहुत यूज होता है, तो उसी से वो बैकग्राउंड में
कितना डार्क कलर आता है उतना अच्छा लगता है, लाइट कलर में भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डार्क कलर पसंद करते हैं। आज हम इसमें दो ही कलर यूज़ करेंगे, एक और गोल्ड और एक कॉपर, उतना ही, क्योंकि इसकी बेस कोट बहुत शानदार बेस कोट है, वो भी दिखना चाहिए ना। हमारे व्यूवर्स को सबको हमारा नमस्कार है, हमारी वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और व्यू सब अच्छा है लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं है, बहुत थोड़ा कम है, इसी से चैनल में व्यू आके फ़ायदा नहीं है। अभी ये डिज़ाइन क्या हुआ, ये डिज़ाइन को फिनिश कर दिया मैंने, अभी इस डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ देना का ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, एकदम ये बैकग्राउंड में जो बेस कोट मारा हूँ मैंने आज, ये कलर ये बहुत अच्छा कलर है और दिखने में भी बहुत शानदार दिख रहा है। आप लोग ऐसे ही डिज़ाइन साइड पे करो, और कुछ प्रॉब्लम आए तो हमको फ़ोन करो भाई, हम बताएंगे। जो मटेरियल के बारे में ज़्यादा पूछने का, तो मटेरियल एक एक जगह पर एक एक तरह मिलता है, इसी से कुछ कर नहीं सकते हैं, जो मिलता है उसी से एडजस्ट करके आप लोग टेक्सचर कीजिए। लेकिन एशियन में जो क्रिएटेक्स वाइट बोल के एक आता है, उसी से भी ज़्यादा डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे डिज़ाइन बनाने के वक्त जो मटेरियल के बारे में आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा जागरूक कर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोकल मटेरियल में बनाते हो तो डिज़ाइन की पैटर्न ऐसा नहीं आता है, वो आप कितना भी कोशिश कीजिए पैटर्न है, तुम जो मन में चाहते हो वो पैटर्न नहीं बनता है। इसके लिए बोल रहा हूँ मटेरियल की थोड़ा क्वालिटी के बारे में सोचिए, उसके बाद कीजिए। देखो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारा चैनल को और हमें आगे बढ़ने की एक मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही।